ढोलकपुर जंगल में बबली अपनी दो बहुओं और अपनी बेटी के साथ रहती थी। बबली कबूतरी की बेटी लूसी बहुत ही घमंडी और चालबाज थी। पता नहीं माँ को टुनटुनी और भूरी भाभी में क्या नजर आया, जो मेरे भाइयों की शादी इन दोनों गवारों से कर दी। मैं इन दोनों को इस घर से निकाल कर ही दम लूंगी। एक दिन लूसी अपनी माँ के पास रोती हुई गयी। क्या हुआ लूसी, तो इस तरह क्यों रो रही है बेटा? माँ, अभी जब तुम मंदिर गई थी तब दोनों भाभियाँ तुम्हारी शिकायत कर रही थी। वो आपस में तुम्हारी बुराई कर रही थी माँ। अरे टुनटुनिया भूरी मेरी शिकायत क्यों करेंगी भला, मैं तो उनसे बहुत प्यार करती हूँ। माँ, तुमने उन दोनों को बहुत छूट दे रखा है, उन दोनों पर नकेल कसो। लेकिन बेटा वो दोनों भी गर्भवती हैं, मैं उनसे घर का काम भी तो नहीं करा सकती। क्यों माँ, वो गर्भवती है तो क्या हुआ, हमारी नौकरानियाँ भी तो गर्भवती होकर काम करती हैं। ठीक है लूसी, तू कहती है तो मैं आज ही सारे नौकरों को छुट्टी दे देती हूँ और उन्हें काम पर लगा देती हूँ। सबसे पहले बबली टुनटुनी के कमरे में जाती है। बड़ी बहू, बड़ी बहू, तुम कब तक सोती रहोगी? क्यों, क्या हुआ माँ जी, आप इतनी सुबह सुबह मुझे क्यों जगा रही हैं? देखो आज से तुम और भूरी बहू दोनों मिलकर घर का काम करोगी। क्यों माँ जी, नौकरानी कहाँ गई? आज से मैंने नौकरानियों को छुट्टी दे दी है, उन लोगों का मुंह ज्यादा खुल गया था। जरा से काम के लिए वो लोग बहुत पैसे मांग रही थी, इसलिए मैंने उन्हें छुट्टी दे दी। लेकिन माँ जी, हम लोग तो गर्भवती हैं, हम लोग घर का काम कैसे करेंगे? तभी वहाँ भूरी चिड़िया आती है। अच्छा हुआ भूरी बहू तुम खुद ही यहाँ आ गई। चलो तुम दोनों झाड़ू उठाओ, घर की साफ सफाई शुरू कर दो। लेकिन माँ जी, आज से पहले आपने इस तरह कभी भी हम लोगों से व्यवहार नहीं किया था। देखो बहू, मैंने जो कहा है वो करो, मेरा तुम लोगों ने असली रूप नहीं देखा। मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगी। चल भूरी, माँ जी से बहस करने का कोई फायदा नहीं। दोनों बहुएं काम में लग जाती हैं। ये सब देखकर लूसी बहुत ही खुश थी। इन दोनों की हालत देखकर मुझे बड़ा मजा आ रहा है। अगले दिन, सुनो तुम दोनों ये मटके पकड़ो और जाओ जाकर कुएं से पानी भर लाओ। लेकिन माँ जी, हम लोग ये पानी भर कर कैसे इतने भारी मटके को उठाएंगे? आपको तो पता है कि हम लोग गर्भवती हैं और ऐसी हालत में भारी सामान उठाने से डॉक्टर ने मना किया है। मैं कुछ नहीं जानती, अब तुम लोग जाओ और जाकर जल्दी पानी भरो। भूरी और टुनटुनी मटका लेकर जंगल के कुएं पर जाती है। जंगल की चिड़िया उन्हें देखकर कहती है, हे भगवान, ये बबली कैसी सास है, उसे अपनी बहुओं पर जरा भी दया नहीं आती। देखो तो इन गर्भवती बहुओं को पानी लाने के लिए कुओं पर भेज दिया। ला टुनटुनी बहू, मैं तेरा मटका भरकर घर तक पहुंचा देती हूँ। तुम दोनों की ऐसी हालत है कि इन भारी मटकों को उठाना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। सुंदरी भूरी और टुनटुनी का पानी से भरा मटका उठाकर उन्हें घर पहुंचाती है। बबली तू कैसी सास है, तुझे अपनी बहुओं पर जरा भी दया नहीं आती, उनकी ऐसी हालत में तू उनसे काम करवा रही है, ये बहुत गलत है। देख बबली, आगे से तूने अपने गर्भवती बहुओं पर अत्याचार किया तो मैं पंचायत में तेरी शिकायत कर दूंगी। सुंदरी बहन, मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं अपनी बेटी के बहकावे में आ गई थी, अब मैं अपनी बहुओं से कोई काम नहीं कराऊंगी। कुछ दिनों के बाद टुनटुनी और भूरी बच्चे को जन्म देती हैं, फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। चंदनवन जंगल में कालू कौआ मुन्नाबास के यहाँ काम करता था। तभी एक दिन उसे फोन आता है। हेलो, क्या मेरी बात कालू कौए से हो रही है? जी आप कौन? कालू कौए, मैं भरोसेमंद कंपनी से बोल रही हूँ। आपने हमारी कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था, आप सिलेक्ट हो गए हैं, लेकिन आपको सुंदरवन जंगल शिफ्ट होना पड़ेगा और आपकी सैलरी पूरे 1 लाख रुपए महीना होगी। ये सुनकर कालू कौआ बहुत खुश हो जाता है और जॉब के लिए हाँ करके अपना सामान पैक करके अगले दिन सुंदरवन जंगल के एक घर में किराए के कमरे में रहने लगता है। तभी उसकी माँ सरला कौवी का फोन आता है। और बेटा कहाँ है, अभी तुझे कमरा मिला या नहीं? माँ मुझे कमरा मिल गया, जो इस घर का मकान मालिक सोनू कबूतर था उसे बहुत जल्दी थी यहाँ से दूसरे जंगल जाने के लिए, इसलिए मुझे कमरा जल्दी मिल गया।
बेटा ये वही कमरा तो नहीं जिसके बारे में तूने बताया था। हाँ माँ, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो गई? बेटा तू वहाँ से चला जा, उस घर में भूत प्रेत रहते हैं। मेरी पड़ोसन की बेटी सुंदरी वहीं पर रहती है, उसने बताया है मुझे। माँ तुम जानती हो मुझे इन भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं है, चलो मुझे बहुत काम है, मैं रखता हूँ। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। अब रोजाना कालू कौए के साथ अजीब अजीब हादसे होते थे। एक दिन उसे किसी चिड़िया के रोने की आवाज सुनाई देती है। मुझे कोई बचाओ। कालू कौ उस आवाज को नजरअंदाज कर देता है। अगले दिन वो अपने पड़ोसी चीकू चिड़ा के पास जाता है। चीकू चिड़ा दरवाजा खोलता है, वो दिखने में बहुत ही अजीब सा था। चीकू चिड़ा, मुझे एक नौकरानी की जरूरत थी जो तुम्हारे यहाँ काम करने आती है, टूनी चिड़िया, तुम उसे मेरे घर में काम करने भेज दोगे? ये सुनकर वो उसके मुँह पर दरवाजा बंद कर देता है। अगले दिन कालू कौए के घर टूनी चिड़िया आती है। जी आप कौन? मैं टूनी चिड़िया हूँ, चीकू चिड़ा ने आपके यहाँ काम पर भेजा है। मैं बहुत ही अच्छे से काम करती हूँ साहब, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब टूनी चिड़िया कालू कौए के यहाँ काम करती थी। एक दिन काम करते वक्त टूनी चिड़िया की गर्दन जोर जोर से हिलने लगती है। ये क्या कर रही हो टूनी? कुछ नहीं साहब, आप बताइए आपको कुछ काम था? कालू कौए इन सब हादसों से डर जाता है और वो घर में पूजा करने की सोचता है। अगले दिन वो पूजा की थाल लेकर पूजा कर रहा होता है, तभी टूनी चिड़िया अपने असली रूप में आ जाती है। क्या कर रहा है? मैं कहती हूँ रुक जा, तुझे नजर नहीं आ रहा? मुझे तकलीफ हो रही है, मेरा पूरा बदन जल रहा है। मैं कहती हूँ रुक जा, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये देखकर कालू कौआ डर के मारे घर से बाहर भागता है और अपने पड़ोसी चीकू चिड़ा के घर जाता है। चीकू चिड़ा चली बाहर आओ, तुम्हें पता है टूनी चिड़िया नौकरानी नहीं, वो एक चिड़िया की आत्मा है। मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरी ही बीवी टूनी चिड़िया है, मैंने उसे तुझे मारने के लिए भेजा था। टूनी चिड़िया उड़ते हुए वहाँ पर आती है। उस घर में हमें मारा गया था, उस घर में जो आएगा वो बचेगा नहीं, हम उसे मार देंगे। अब तेरी बारी है कालू कौआ, तुझे कौन बचाएगा? कालू कौआ ये सब देखकर बहुत डर जाता है और जल्दी से उड़ता हुआ अपने घर से गुलाब जल उनके ऊपर डालता है। ये क्या कर दिया, हमारा शरीर जल रहा है, हम तुम्हारे करीब नहीं आ सकते, चीकू चिड़ा बचाओ मुझे। ये कह कर वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। कालू कौआ उस घर में जादूगरनी को बुलवा कर उस घर से सारी आत्माओं को बाहर करवा देता है और खुशी खुशी इस घर में रहने लगता है। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है कालू कौए को नौकरी करने के लिए कौन सी कंपनी से कॉल आता है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुंदरवन जंगल में पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक बहुत ही पुराना झूला था, कोई भी इस झूले के पास नहीं जाता था। जंगल के परिंदों का यही मानना था उस झूले पे एक चुड़ैल रहती है जिसका नाम सुंदरी था। उसी पेड़ के पास एक और पेड़ था जिस पर टूनी और टुन्नू अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहते थे। एक दिन टूनी टुन्नू से कहती है, सुनिए जी, मैं सोच रही थी हम अपनी बेटी टुनटुनी की शादी कर देते हैं, आपको तो पता है ना जंगल में कितने हादसे हो गए हैं, वो सुंदरी चुड़ैल चुड़ियों को मार देती है, इसलिए मैं चाहती हूँ हमारी बेटी अपनी घर की हो जाए। टुन्नू टूनी से कहता है, टूनी तुम बिना वजह परेशान हो रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन टूनी टुन्नू की सुनती नहीं है, वो टुनटुनी की शादी मोंटू कबूतर के साथ करवा देती है। टुनटुनी मोंटू के साथ खुश रहती है। एक दिन टुनटुनी अपनी माँ से मिलने के लिए घर जाती है। टूनी टुनटुनी से कहती है, बेटा आज तुम और दामाद जी यहीं रुक जाओ, कल सुबह वापस चले जाना, काफी रात हो गई है, तुम जंगल का माहौल जानती तो हो ना? टुनटुनी टूनी से कहती है, जी माँ मैं जानती हूँ। फिर मोंटू और टुनटुनी रात में सो रहे होते हैं, तभी अचानक से टुनटुनी की आंख खुल जाती है। उसे झूले के पास से सुंदरी चुड़ैल की आवाज सुनाई देती है। अरे ओ टुनटुनी, आजा मेरी बच्ची, मैं तुझे झूला झूलाऊंगी, आ मेरे पास आ जा।
टुनी मोंटू को जगाने की कोशिश करती है। वो मोंटू से कहती है, मोंटू जल्दी उठो, सामने झूले पर कोई है, वो मुझे बुला रही है। मोंटू टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी सो जाओ, काफी रात हो गई है और मुझे भी सोने दो। वही सुंदरी झूला झूलते हुए हंस रही होती है। जैसे ही टुनटुनी से खिड़की में से देखती है वो गायब हो जाती है। फिर टुनटुनी से देखने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे लगे हुए झूले के पास जाती है, मगर उसे कोई नजर नहीं आता है। यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है मेरा वहम होगा। चलो आई हूँ तो आज झूले पर झूल कर देख लूँ। माँ ने कभी इस झूले पर बैठने नहीं दिया, बचपन से मैं इस झूले पर झूलना चाहती थी। टुनटुनी उस झूले पर बैठकर गाना गाने लगती है। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कह दो दिलों ने कि मिलकर कभी ना होंगे जुदा। अरे वाह, मजा आ गया, चलो अब मैं चलती हूँ, मोंटू मेरा इंतजार कर रहा होगा। तभी चुड़ैल सुंदरी वहाँ पर आ जाती है और टुनटुनी को झूले से उतरने नहीं देती है। नहीं टुनटुनी, अब तू इस झूले से कभी नहीं उतर पाएगी। मैं तुझे मार दूंगी, तू भी मेरे साथ इसी पेड़ पर झूलती रहेगी चुड़ैल बनकर। टुनटुनी ये सुनकर डर जाती है और चिल्लाती है, मोंटू माँ बचाओ मुझे इस उल्टे पैर वाली चुड़ैल से। टुनटुनी की आवाज सुनकर मोंटू कबूतर टूनी और टुन्नू जाग जाते हैं और वो टुनटुनी के पास भागते हुए जाते हैं। और मोंटू कबूतर सुंदरी चुड़ैल से कहता है, ए चुड़ैल छोड़ मेरी बीवी को वरना मैं तुझे मार दूंगा, समझी? अपनी शक्ल कभी दोबारा आईने में देख नहीं पाएगी। सुंदरी मोंटू से कहती है, अच्छा तू मुझे मारेगा, चल मार के दिखा, देखूं कितना दर्द तेरे में। टुनटुनी चिल्ला रही होती है, मोंटू माँ बचाओ मुझे, ये मुझे मार देगी। जैसे ही चुड़ैल सुंदरी टुनटुनी को मारने वाली होती है तभी मोंटू झूले की रस्सी को काट देता है जिससे टुनटुनी झूले से नीचे गिर जाती है। टूनी टुनटुनी को पकड़ लेती है, तभी मोंटू झूले में आग लगा देता है। उसी झूले के साथ सुंदरी चुड़ैल भी जलने लगती है। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, मैं बदला लेने के लिए वापस जरूर आऊंगी। ये कहकर वो जलकर राख हो जाती है। तो ये थी आज की कहानी। कि आपको पता है सुंदरी चुड़ैल कहाँ पर रहती थी? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।